यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत ओरछा के साथ ग्वालियर को भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने इस सूची को मीडिया में शेयर किया है। पर्यटन से जुड़े लोग इस शहर के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। उनका कहना है, हेरिटेज सूची में आने के बाद ग्वालियर की शक्ल पूरी तरह से बदल जाएगी। कई विदेशी सैलानी ग्वालियर घूमने को एक विकल्प मात्र मानते हैं। उनकी मंशा शहर में रुकने के बजाय ओरछा पहुंचने की रहती है, लेकिन ग्वालियर को वर्ल्ड हेरिटेज में जगह मिलने से अब विदेशी सैलानी ग्वालियर में भी कुछ दिन बिताना चाहेंगे। इस काम को पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटी का साथ भी लिया जाएगा, जो कुछ दिनों पहले ही ग्वालियर अंचल को डिजिटल म्यूजियम की सौगात दे चुका है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में आने के बाद ग्वालियर को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। मानसिंह पैलेस, गुजरी महल और सहस्त्रबाहु मंदिर के अलावा अन्य धरोहर का केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, जिससे दीवारों पर उकेरी गई कला स्पष्ट दिखे और उसकी चमक भी बढ़ेगी। धरोहर तक पहुंचने वाले मार्ग को सुगम किया जाएगा। विशेष गार्ड नियुक्ति कर दी जाएगी, जो सैलानियों के पहुंचते ही उनका भारतीय परंपरा अनुसार स्वागत करेंगे। हर स्थल पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा, सावधानी और संबंधित धरोहर की खूबियों को बोर्ड लगाया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने कई बार यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा। काफी कोशिशों के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। इससे शहर आने वाले सैलानियों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार अपने ही शहर में मिलने लगेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।